तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने भी कह के गए हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा न किसी को कुछ मिला है न किसी को कुछ मिलेगा। यस, लाइफ इटसेल्फ इज अ वंडरफुल फेरी टेल। लड्डू का एक दो मिनट। यस यस, टेक योर ओन टाइम। तो मैडम कब जाना है? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? और आप अभी बता रहे हैं? काफी दिन पहले हमने आपको मेल तो किया था। ओह अच्छा, नहीं वो क्या मैसेज किया होता ना तो मैं मैसेज मोबाइल में तुरंत देख लेता हूँ। मेल कभी कभी वो देखने का रह जाता है। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रही है? गलती सेठ जी की है, नहीं सेठ जी? हाँ आकाश, ये लीजिए, इसमें एक एनवलप में आपके टिकट्स हैं और दूसरे में आइटनरी, और आपके पासपोर्ट में वीजा तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। सर आपको 3 दिन बाद ही निकलना है, और वहां पर आपको एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, और वहां पर कंपनी का एक एक्सपो होगा जिसमें आपको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाह। और बाकी जो दिन बचेंगे उसमें कंपनी आपको साइट सीइंग कराएगी। वाह वाह वाह, साइट सीइंग, साइट सीइंग। तू काका, वाह, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलिए हम चलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट जेठालाल जी, हैव अ सेफ ट्रिप। थैंक यू। आइए आइए मैडम, आइए आइए। थैंक यू आकाश भाई। ओके आइए, बस 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 बस, बैठे मैडम बैठे। ओके मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशन, सेठ जी हमारे जा रहे हैं यूएसए। यूएसए जाके अमेरिका देखूंगा, अमेरिका देखते देखते नटडो खाऊंगा। नटडो? वो क्या है? अरे वो आता है ना, वो मीठा मेंदू वड़ा। ए सेठ जी, वो नटडो नहीं डोनट होता है। ओ अच्छा, डोनट। हाँ वो जो भी है, वो सुना है वो अमेरिका के वो डोटन बहुत जबरदस्त होते हैं। दो टन नहीं सेठ जी, डोनट। डो डोन डन तो डोन, ओ जो भी है वो बहुत जबरदस्त होता है सुना है। और अलग अलग फ्लेवर में भी आते हैं। ही मींस फ्लेवर। या आई गॉट इट सेठ जी, दिस गोज फॉर अ सेलिब्रेशन। हाँ हाँ सेठ जी, पार्टी तो बनती है। हाँ तो मंगा फालूदा। नो फालूदा नो। तो रे सेठ जी, आप अमेरिका जा रहे हैं? अमेरिका तो बर्गर, पिज्जा, थिक शेक, फ्रेंच फ्राइज मंगवाइए ना। ओ करेक्ट करेक्ट। अरे सब अमेरिकन आइटम के बीच में फ्रेंच आइटम क्यों मंगा रहे? फ्रेंच आइटम? कौन सी फ्रेंच आइटम? ही इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंच फ्राइज। हाँ वो नहीं 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 सेठ जी, फ्रेंच फ्राइज सिर्फ फ्रेंच नहीं है, ग्लोबल है। फ्रेंच फ्राइज मतलब वो आलू की चिप्स। करेक्ट। ओ तो उसका फ्रेंच फ्राइज है क्यों बोलते हैं भला? वो मुझे क्या पता, वो सब छोड़िए ना सेठ जी, आप मंगवाइए ना। अरे तेरे होते हुए मैं मंगाऊं? अरे सॉरी सॉरी, मैं ही मंगवाता हूँ, लेकिन पैसे तो आप देंगे ना। सॉरी सॉरी, मजाक मजाक कर रहा हूँ। तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ तो पैसे तो तुझे ही देना चाहिए ना। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तू मंगा मंगा, तब तक मैं बापूजी को यह खुशखबरी दे देता हूँ। जी सेठ जी। आइए नेट कर। हेलो, हाँ बापूजी। हाँ बोल जेठिया। अरे बाबूजी एक जबरदस्त खुशखबरी है। अच्छा क्या सेठ जी? एक मिनट, एक मिनट बाबूजी, क्या हुआ? म्यूट पे रखिए। क्यों? अरे आप फोन म्यूट पे तो रखिए, बताता हूँ। बाबूजी एक मिनट चालू रखना। क्या है नट्टू काका? सेठ जी अभी फोन पे खुशखबरी मत सुनाइए। क्यों सेठ जी? जिस तरह हमने रूबरू आपको खुशखबरी सुनाकर आपके चेहरे के खुशी के हाव भाव देखने का सौभाग्य प्राप्त किया,
सेम टू सेम, आप भी बापूजी को रूबरू खुशखबरी सुनाकर उनके खुशी के हाव भाव देखने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अच्छा 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 हेलो हेलो बापू जी। हाँ बोलना जिठिया। अरे खुशखबरी है बोल के तू तो चुप ही हो गया, कहाँ चला गया था? कस्टमर आ गया था। हाँ अच्छा अच्छा बता क्या खुशखबरी है। खुशखबरी तो ये है, सुनते ही आपके रोम रोम खिल उठेंगे। ये कौन बोला? नट्टू बापूजी, नट्टू बोल रहा हूँ। कौन स्पीकर पे? हाँ बापूजी। अच्छा अच्छा बता क्या खुशखबरी है। बापूजी खुशखबरी ऐसी है जैसे लंबे इंतजार के बाद बारिश होती है और किसान के चेहरे पर जो खुशी देखने मिलती है उतनी ही खुशी आपको ये खुशखबरी सुनने पे मिलेगी। अच्छा ऐसी क्या खुशखबरी है? बहू आ रही है अहमदाबाद से? नहीं नहीं बापूजी, दया तो नहीं आ रही है। अच्छा तो तुझे कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है? नहीं नहीं। अरे तो क्या है खुशखबरी? बापूजी ये खुशखबरी सुनने के बाद आपको सेठ जी पे गर्व होगा गर्व। अरे लेकिन खुशखबरी क्या है? बता दे। नहीं, 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 जो आधी आधी तो बता दे। हेलो हेलो। हाँ बापूजी चालू है फोन चालू है। अरे बोलना भाई मुझे गर्व हो, ऐसी खुशखबरी क्या है? बापूजी रामसंग कंपनी है ना, तो उसके टॉप के 10 डीलरों में गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आया है। तू बात कर रही है? अरे वाह वाह जेठिया वाह, अभिनंदन है जेठिया अभिनंदन। बस भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करता रहे। थैंक यू बापूजी थैंक यू। अरे बापूजी सिर्फ यही खुशखबरी नहीं है, दिस इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। बापूजी नटू काका कह रहे हैं ये तो सिर्फ आधी खुशखबरी है, बाकी की आधी तो पहली की आधी से कई गुना ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। अच्छा हाँ तो बाकी की आधी खुशखबरी क्या है जल्दी बताओ। वो मैं आपको घर पे आके सुनाऊंगा बापूजी। ले क्यों? क्योंकि बापूजी मैं घर आऊंगा और आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगा, तो ये खुशखबरी सुन के आपके चेहरे पे जो क्या करो। हेलो हेलो हेलो। हाँ बापूजी तो मैं ये कह रहा था कि मैं घर आऊंगा और जब आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगा तो खुशखबरी सुन के आपके चेहरे पे जो खुशी के हाव भाव आएंगे ना वो मुझे देखने, इसलिए मैं कह रहा था कि घर पे आके फिर मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक। हेलो रखी दिया। थैंक यू सेठ जी थैंक यू थैंक यू। हाँ हमारा आइडिया एक्सेप्ट करने के लिए, बापूजी को फोन पे खुशखबरी नहीं सुनाने के लिए। अरे यूज भी आइए आइए भाई साहब आइए आइए। मुझे एक एसी चाहिए था। हाँ बागा जी जी सेठ जी आइए सर। ऐसे दिखा बढ़िया सर। सेठ जी और एक कस्टमर। एक्सक्यूज मी जी एक अच्छा वाला माइक्रो ओवन दिखाइए। जरूर आइए मैडम मैं बता दूं। टॉप के 10 डीलरों में गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम मजा आ गया, ऊपर से अमेरिका में जाने को मिल रहा है। यह सब बबीता जी की वजह से हुआ है। सुबह उन्होंने ही बोला था हैव अ नाइस डे, तब आज का दिन तो सच में एकदम नाइस दिन हो गया। उनको थैंक यू बोलना तो बनता है। हाय जेठा जी बोलिए। मैंने कहा थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अरे आपने सुबह जो बोला था वो सच हो गया बबीता जी। अच्छा ऐसा क्या बोल दिया था मैंने? आपने सुबह नहीं बोला था हैव अ नाइस डे, तो सच में आपकी बात आकाशवाणी की तरह एकदम सच साबित हो गई। अच्छा कैसे?
मतलब आज मैं दुकान में आया ना तो सुबह सुबह मुझे दुकान में आता ही ऐसी जबरदस्त खुशखबरी मिली कि मेरा दिन आज का दिन एकदम नाइस दिन हो गया। अच्छा तो ऐसी क्या खुशखबरी मिली आपको? नहीं नहीं मैं आपको फोन पे नहीं बताऊंगा, वो तो मैं आपको रूबरू मिल के आपको मिठाई खिला के उसके बाद ही बताऊंगा। ओह इतनी बड़ी खुशखबरी है, अरे जबरदस्त। दया भाभी वापस आ रही है? नहीं नहीं वो कहाँ वो। अच्छा तो फिर क्या है? मैं शाम को आता हूँ ना आपके घर पे मिठाई लेके फिर बताता हूँ। ओके ठीक है चलिए आई सी यू सून। ओके 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 मैडम फिर आइएगा। अरे बागा अरे लाओ 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 पहला। थैंक यू लाओ सेठ जी। हाँ चलो चलो हाँ नट्टू काका आइए। ये लीजिए सेठ जी। हाँ वाह 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 ये जोरदार है लेकिन मजा आ गया नहीं नट्टू काका? सही बात है हम आ गया। पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज तो अफला तूने है। बहुत मजा आया। सेठ जी क्या हुआ दुकान की चिंता कर रहे हैं? सेठ जी आप दुकान की चिंता मत कीजिए, मैं और नट्टू काका है ना हम लोग दुकान संभाल लेंगे। नहीं आप दोनों हो इसलिए दुकान की तो इतनी चिंता नहीं हो रही है, मुझे बापू जी की चिंता हो रही है। क्या दया नहीं है टप्पू भी नहीं है और मैं अमेरिका गया तो फिर बापू जी घर पे अकेले हो जाएंगे ना। अरे ये अच्छा आइडिया आया मुझे। क्या? बापूजी को भी साथ ले जाता हूँ। अमेरिका? हाँ तो बापूजी के वीजा? वीजा है ना बापूजी का है वीजा है। वो 2020 में रामसंग वालों के साथ मैं जाने वाला था ना तो तभी बापूजी का अलग से करवा लिया था। अरे वाह अरे वाह वाह सेठ जी तो मस्त आइडिया है, आप बापूजी को भी अपने साथ अमेरिका लेके जाइए। हाँ पर ये रामसंग कंपनी वाले अलाउ करेंगे? अरे बापूजी के टिकट का उधर रहने खाने पीने का सब खर्चा अगर मैं करूँ तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अरे सेठ जी रहने का तो आपको खर्चा होगा ही नहीं। क्यों? वो रामसंग कंपनी वाले आपको रहने के लिए एक रूम तो देंगे ही ना, तो एक रूम में दो लोग तो रह ही सकते हैं। हाँ बराबर है बराबर। ये लोग का कोई भरोसा नहीं, खर्चा बचाने के लिए दो डीलर को एक रूम में साथ में रख लिया तो। अरे तो कोई बात नहीं नट्टू काका, मैं बापू जी और मेरे लिए अलग से कमरा ले लूंगा भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेठ जी। हाँ बस तो आज शाम को घर जाते ही बापू जी को यह डबल खुशखबरी सुनाऊंगा तो बापू जी खुश हम खुश हो जाएंगे। बापू जी सॉरी बापू जी, वो आपको खुश खबरी सुनाने के उत्साह में जरा ठेबा खा गया। अच्छा इसमें क्या है? मिठाई है बापू जी। इतनी सारी? ओ सब गोकुलधाम वासियों को देने के लिए लेके आया। अच्छा मतलब बाकी की आधी खुशखबरी वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी लग रही है। जी जी बापू जी। हाँ तो बता क्या खुशखबरी है? जी जी बापू जी जी, अभी वो आधी खुशखबरी तो मैंने आपको बता दी। हाँ। रामसंग कंपनी के टॉप के 10 डीलर में गुडा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आया है। हाँ। तो बाकी की आधी खुशखबरी ये है कि वो 200 डीलरों को रामसंग कंपनी अमेरिका ले जा रहे हैं। क्या? तुम अमेरिका जा रहे? हाँ बापू जी हाँ। अरे वाह 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 वाह। अरे ये तो सच में गर्व की बात है। ला 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 सबसे पहले मेरा मुंह मिटा का। हाँ जी जी बाबू जी जी ये लीजिए ये लीजिए। आ वाह झिटिया वाह। अरे आप पूरा आप लीजिए। नहीं नहीं तू भी ले तू भी ले। वाह वाह क्या खुशखबरी सुनाई है जटिया तूने।
वैसे जेठिया कब जाना, कब है? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? अरे भाई तू तो बहुत कम समय है, चल चल तू फटाफट जाने की तैयारी शुरू कर दे। अरे कर दे नहीं बापूजी, तैयारी शुरू करते हैं। करते हैं? मतलब? मतलब आप भी चल रहे हैं मेरे साथ? हाँ, अमेरिका? हाँ। है? रामसंग कंपनी वाले डीलर के फैमिली को भी अमेरिका ले जा रहे? नहीं नहीं, रामसंग कंपनी वाले तो खाली डीलर लोगों को ले जा रहे, आपकी टिकट का रहने खाने पीने का सब खर्चा तो हमारे ऊपर है। अरे तो फिर इतना क्यों खर्चा करना है? बापू जी यहाँ दया नहीं है, टप्पू नहीं है। तो मैं अमेरिका जाऊंगा तो आप यहाँ अकेले पड़ जाएंगे ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी साथ लेता चलो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं जाना है अमेरिका। तो बापू जी आप नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे क्या, वो कंपनी वाले तुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं तो वहाँ उनका कोई एग्जीबिशन कुछ प्रोग्राम होगा ना? अरे वो तो है, वहाँ पे पहले बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, फिर वो एक्सपो है जिसमें कंपनी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में और नए नए प्रोडक्ट के बारे में सब डीलर लोगों को जानकारी देगी। हाँ जो तो फिर तू तो वहाँ जाके इन सब चीजों में बिजी हो जाएगा, तो मैं वहाँ आके क्या करूँगा? तो बापू जी आप यहाँ अकेले कैसे रह सकते हैं? अरे भाई तू जरा समझ, मैं वहाँ आऊंगा तो अकेले पड़ जाऊंगा। अरे यहाँ तो सब लोग है ना सोसाइटी के सदस्य है, मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे यंग बॉय ग्रुप के दोस्त भी है। चल चल भाई तू ज्यादा सोच मत, मैं जो बोल रहा हूँ वो बराबर है। अरे तुझे मौका मिल रहा है तो तू भगवान का नाम लेकर तू जा, तू यहाँ की चिंता मत कर है। फिर जब बहू आ जाएगी, टब्बू आ जाएगा तो हम सब साथ में जाएंगे ना घूमने अमेरिका, है पूरा 1 महीना घूमेंगे। पक्का आप यहाँ अकेले रह लेंगे? अरे हाँ हाँ भाई, चल 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 अभी तो फटाफट हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद तू सोसाइटी में सबको खुशखबरी और ये मिठाई देकर आना है। जी बापू जी। चलो मिठाई बेचने की शुभ शुरुआत बबीता जी के घर से करता हूँ। वैसे भी क्या खुशखबरी है वो जानने के लिए वो आतुरता से मेरी राह देख रहे होंगे। जेठा जी आइए आइए आइए। अब तो बोलिए क्या खुशखबरी है? वही बताने आया हूँ बबीता जी। अय्यर भाई कहाँ है? वो अभी तक ऑफिस से आया नहीं है। ओ अच्छा, बबीता जी ये लीजिए मिठाई। इतने सारे स्वीट्स, लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ हाँ खुशखबरी बड़ी तो है। हाँ तो बताइए बबीता जी, आप मिठाई तो खाइए। जेठा जी पहले प्लीज खुशखबरी बताइए, फिर ही मैं खाऊंगी। अरे बबीता जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। हमेशा के लिए? नहीं नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं आप, शुभ शुभ बोलिए, कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, और रामसंग कंपनी वाले हैं ना, वो लोग क्या हर साल अलग अलग देश में अपना वो कॉन्फ्रेंस ने एक्सपो ने वो सब करते रहते, इस बार अमेरिका में। तो इधर के उनके टॉप के जो 10 डीलर लोग है ना, उनको वो लोग उनके खर्चे पे लेके जा रहे, तो उसमें मेरा भी नंबर लग गया। Wow, that's such a great news! Congratulations! Thank you, बबीता जी। तो कब जा रहे हैं आप? बस 3 दिन बाद। Okay. चलो मैं चलूं? अरे नहीं, आप बैठी ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती। नहीं नहीं बबीता जी, अभी खाना खाया, अभी चाय नहीं। और वैसे भी क्या, मुझे सबके घर पे खुशखबरी और ये मिठाई देने भी जाना है। जेठा जी इतनी अच्छी खुशखबरी है, कुछ तो लीजिए। एक मिनट रुके, मैं अभी आती हूँ। बबीता जी नहीं जावा दे हमने। ये लीजिए आपके फेवरेट बंगाली स्वीट्स। अरे इतनी सारी इतना नहीं खा पाऊंगा, थोड़ी आप लीजिए। आप जो मिठाई लाए हो ना, मैं वो खाने वाली, बस आइए राजा हम दोनों मिलके खाएंगे। ये तो बस आपके लिए, खाइए प्लीज। अरे बबीता जी, अरे ये ले लो, प्लीज प्लीज। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू बबीता जी। ओके मैं चलता हूं। ओके बाय बाय, टेक केयर।
भाई वाह, मजा आ गया। देखा ना आपने, खुशियाँ बांटने से किस तरह से बढ़ती है। आप भी अपने जीवन में जितनी खुशियाँ उन्हें बांटिए, आपको ज्यादा खुशी मिलेगी और संतुष्टि मिलेगी। ये गोकुलधाम में ही हो सकता है भाई, ये गोकुलधाम कमाल का गोकुलधाम है। यहाँ पे प्यार है, परिवार है, छोटी मोटी तकरार भी है, लेकिन ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे यह मस्ती की और हंसी के फटाके ऐसे ही फूटते रहेंगे और ठहाके कभी कम नहीं होंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.